नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुंदेली बाबा। और जैसा कि आप सभी को विदित है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने फिलहाल 28 मंत्रियों को शामिल किया है। बीते 17 दिसंबर को अकेले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ली थी। बाद में कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हुई और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में जहां क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है, वहीं तीनों बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11, दिग्विजय सिंह के 9 और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 तथा अरुण यादव के 1 समर्थक विधायक को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी पुरजोर कोशिश की गई है। साथ ही इन 28 मंत्रियों में 2 महिलाएं एवं 1 मुस्लिम तथा 1 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। मित्रों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल बाद किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 15 साल बाद मुस्लिम समुदाय को आरिफ अकील के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जिन 2 महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वे हैं विजय लक्ष्मी साधो, जो कि महेश्वर विधानसभा सीट से विजयी हुई हैं, एवं इमरती देवी, जो कि डबरा विधानसभा सीट से हैं। वहीं कमलनाथ ने बारा सिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। जहां तक क्षेत्रीय संतुलन का सवाल है, तो मालवा निवाड़ क्षेत्र से 9 विधायक, मध्य क्षेत्र से 6 विधायक और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 5 तथा बुंदेलखंड इलाके से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आइए हम जान लेते हैं किस विधायक को कौन से विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया है। बाला बच्चन, जो कि बड़वानी की राजपुर सीट से विजयी हुए, उन्हें गृह एवं जेल मंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। महिला मंत्री के रूप में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु को संस्कृति, चिकित्सा एवं आयुष विभाग सौंपा गया है। वहीं हुकुम सिंह कराड़, जो कि जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। हुकुम सिंह कराड़ साजापुर विधानसभा से विजयी हुए थे। कमलनाथ के अगले मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, जो कि लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सज्जन सिंह वर्मा, जो कि सोनकच्छ विधानसभा सीट से विजयी हुए थे। वहीं 15 वर्षों बाद एकमात्र मुस्लिम मंत्री आरिफ अकील, जो कि भोपाल उत्तर से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिन्हें भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। कमलनाथ मंत्रिमंडल के अगले मंत्री हैं बृजेंद्र सिंह राठौर। जी हां, बृजेंद्र सिंह राठौर, जो कि पृथ्वीपुर सीट से विजयी होकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिन्हें वाणिज्य एवं कर विभाग सौंपा गया है। कमलनाथ मंत्रिमंडल में एकमात्र निर्दलीय विधायक, जो कि प्रदीप जायसवाल हैं, जिन्हें खनिज संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं लाखन सिंह यादव, जिनको पशुपालन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्रालय की कमान दी गई है। वहीं तुलसी सिलावट, जो कि सांवेर विधानसभा से विजयी हुए थे, कमलनाथ मंत्रिमंडल में लोक स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय का भार संभालेंगे। कमलनाथ मंत्रिमंडल के अगले मंत्री तरुण भनोट हैं, जिन्हें वित्त एवं योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दें, तरुण भनोट जबलपुर पश्चिम से विजयी हुए थे। बात करें बुंदेलखंड के तेज तर्रार कांग्रेस नेता गोविंद सिंह राजपूत की, जिन्हें राजस्व एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दें, गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। डबरा विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई इमरती देवी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ मंत्रिमंडल के अगले मंत्री हैं ओमकार सिंह मरकाम, जिन्हें जनजातीय कल्याण विभाग सौंपा गया है। मरकाम डिंडोरी विधानसभा सीट से विजयी होकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सांची विधानसभा सीट से विजयी हुए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को कमलनाथ मंत्रिमंडल में स्कूल शिक्षा मंत्री का प्रभार मिला है। वहीं प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, जो कि खिलचीपुर विधानसभा सीट से विजयी हुए थे। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग सौंपा गया है सुखदेव पांसे को। सुखदेव पांसे मुलताई विधानसभा सीट से विजयी हुए थे। कमलनाथ के अगले मंत्री हैं उमंग सिंघार, जिन्हें वन मंत्री की कमान सौंपी गई है। उमंग सिंघार धार जिले की गंधवानी सीट से विजयी हुए थे। बात करें बुंदेलखंड के अगले मंत्री की, तो सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से विजयी हुए हर्ष यादव को कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र एवं विजय राघवगढ़ सीट से विजयी हुए जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय का भार दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा चेहरे एवं तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को खेल एवं युवक कल्याण मंत्री का पदभार सौंपा गया है। आपको बता दें, जीतू पटवारी इंदौर की राव विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वहीं जबलपुर पूर्व से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए लखन घनघोरिया को सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं बमोरी विधानसभा सीट से विजयी होकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए महेंद्र सिसोदिया को श्रम कल्याण मंत्रालय का पदभार दिया गया है। कमलनाथ मंत्रिमंडल के अगले मंत्री पीसी शर्मा रहे, जो कि मध्य भोपाल से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। पीसी शर्मा को विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर विधानसभा सीट से विजयी होकर कमलनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जिनके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ मंत्रिमंडल के अगले मंत्री हैं सचिन यादव, जिन्हें कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं कुक्षी विधानसभा सीट से विजयी होकर विधानसभा में आए सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को नर्मदा घाटी विकास मंत्री बनाया गया है। सीधी जिले की सिहावल विधानसभा सीट से विजयी हुए कमलेश्वर पटेल को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो मित्रों, ये थे वो 28 मंत्री जिन्हें फिलहाल कमलनाथ मंत्रिमंडल में अपने अपने विभागों का दायित्व सौंपा जा चुका है। आपको बता दें, इस मंत्रिमंडल में बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक को फिलहाल कोई जगह नहीं मिल पाई है। अब आगे आगे देखते हैं और किन किन विधायकों को मंत्री के रूप में कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं
घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।